स्टाइल में जो है हम अपने फेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो है पार्लर जाके घंटों बैठकर महंगे महंगे फेशियल कराएं, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है तो आप मेरी रेमेडी को देखकर घर बैठे बिल्कुल फेशियल जैसा इफेक्ट ला सकते हैं, बिल्कुल फेशियल जैसा रिजल्ट पा सकते हैं घर पर घर की चीज़ों से। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसी वाली फेशियल, ऐसी वाली रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि आपके चेहरे पर बहुत जल्दी जो है असर दिखाएगी, यानी कि इंस्टेंटली बिल्कुल आपके चेहरे को चमकाने वाली है। करवा चौथ भी आ रहा है और भी फेस्टिव जो है स्टार्ट है, बहुत सारे त्योहारों का सीजन है, तो देखिए आप अपने चेहरे को अच्छे से निखार कर रखें, अच्छे से चमका कर रखें, तो इस फेशियल को आप आज से ही करना स्टार्ट कर दें। हफ्ते में 2 या 3 बार इसको ज़रूर से करें आप। और जी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन ज़्यादा डल है, काली है, तो उसको आप जल्दी से कैसे निखार सकते हैं ताकि आप भी करवा चौथ पर बिल्कुल नई निवेली दुल्हन की तरह दिखें। तो आज मैं आपको ऐसा ही फेशियल बताने वाली हूँ, ऐसा ही रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके चेहरे पर बिल्कुल जादू का काम करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल मैजिकल आपका फेस जो है चमकने वाला है। चलिए मैं बताती हूँ कि आपको जो है इस रेमेडी को कैसे बनाना है घर की चीज़ों से और घर बैठे ही। जी हाँ, बिल्कुल आपका 1 रुपया मैं खर्च नहीं करने दूंगी, बिना 1 रुपया खर्च किए आप घर पर मैजिकल जादू ही जो है फेशियल बना सकते हैं, रेमेडी बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छी लगे, रेमेडी अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करके जाना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि फ्यूचर में और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है एक खाली बाउल कटोरी की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि आपको ले लेनी है। ठीक, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स आपको सबसे पहले लेना है। जी हाँ, मैं जो बात कर रही हूँ ये है बेसन। बेसन आपको लेना है 1 चम्मच भर के, आपको जो है लेना है बेसन। और जी, इसमें दूसरी चीज़ जो कि आपके रंग को बहुत जल्दी से निखारेगी, आपके फेस पर कोई भी प्रॉब्लम है जैसे कि रिंकल्स की प्रॉब्लम है, झाइयों की प्रॉब्लम है, उसको बहुत जल्दी से दूर करने वाली है। मैं बात कर रही हूँ कस्तूरी हल्दी की। जी हाँ, आपको कस्तूरी हल्दी लेनी है 3 से 4 पिंच भर के, जो है आपको कस्तूरी हल्दी लेनी है। मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कलर नहीं देती है हमारे फेस पर, लेकिन आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप घर वाली हल्दी ऐड कर सकते हैं, मिक्स हो और उसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है। और वो जो है आपको कम क्वांटिटी में लेनी है, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा बालों की प्रॉब्लम है, क्या होता है ना हमारे फेस पर बाल होते हैं तो मेकअप भी प्रॉपर नहीं होता है और काला भी हमारा फेस दिखने लगता है, तो उसके लिए आपको पील ऑफ मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप रेडीमेड कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक शॉप पे भी मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। वो आपको 1/2 से 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। अभी मैं और चीज़ इसमें ऐड करने वाली हूँ जो कि आगे बताऊँगी, ठीक है। वो चीज़ आप इसमें ऐड कर लें, अपने फेस पर लगा लें, 15 से 20 मिनट रखिए, अच्छे से सूख जाए, फिर जो उसको आप उतार कर देखोगे कि आपके काफ़ी हद तक जो है बाल निकल चुके होंगे, जो आपके फेस के बाल हैं वो काफ़ी हद तक आपके फेस के बाल निकल जाएंगे और आपको रिजल्ट भी प्रॉपर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो अदरवाइज आप जैसे मैं रेमेडी बता रही हूँ वैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फेस पर नहीं है, मैं नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ तो मैं नेचुरल ही तरीका बताती हूँ आपको, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास टाइम कम है और जी वो अपने फेस पर से बाल क्लीन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रेमेडी मैंने बताई है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं जो है होम रेमेडी से ही अपने बालों को साफ कर लेती हूँ। तीसरी जो चीज़ लेनी है वो है नारियल का तेल, कोई भी ब्रांड का आपको नारियल का तेल ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लेना है, करीबन 1/2 चम्मच। जो बेटा नहीं, ये मेरी बच्चियाँ बीच बीच में बोलती हैं क्योंकि इन्हें भी शौक चढ़ा हुआ है, ये भी वीडियो बनाना चाहती हैं तो इसलिए, ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से इसको भी मिक्स कर लिया है। अब जी हम ऐड करने वाले हैं दही। तो दही आपको खट्टा लेना चाहिए, दही आपको खट्टा लेना है, जैसे कि मैं सभी वीडियो में आपको बताती हूँ कि दही जो है हम खट्टा यूज करेंगे क्योंकि खट्टे दही हमारे फेस पर बहुत जल्दी से काम करता है। 1 चम्मच भर के मैं यहाँ पर खट्टा दही ले रही हूँ, ठीक है। और जी फिर हमें थोड़ा सा आप इसमें ऐड करोगे, क्या ऐड करना है आपको, थोड़ा सा इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर, रोज़ वाटर आपको इसमें ऐड करना है। अब अच्छे से आपको जो है पैक को बना लेना है।
तो देखिए इस तरीके से आपको पैक को बना लेना है। इसे अपने फेस पर आपको लगाना है। कैसे लगाना है? अपने फेस को धो लेना है। आपके फेस पर कोई भी मैकअप वगैरह ना हो, कोई गंदगी ना हो, अच्छे से धोकर फिर जो है आप इसको ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर मेकअप किया हुआ है, लेकिन आपको जो है मेकअप को रिमूव करके तभी इसको लगाना है। मैं सिर्फ एक वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन आप जब भी ट्राई करोगे तो फेस पर कोई मेकअप ना हो, ठीक है। मैंने जो है वीडियो शूट की थी, अभी जो है लाइट सा मेकअप मेरे फेस पर है, लेकिन आप लोगों को मैं बता रही हूँ, नहीं तो आप कॉमेंट करोगे कि आपने जो मेकअप किया हुआ है और आप बता रहे हो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कैसे लगाना है, ठीक है। मेकअप वेकअप ना हो, फेस को धो लें अच्छे से। अच्छा जी, अब मैं जो है अपने फेस पर इसको इस तरीके से लगाऊंगी। देखिए दही आपको सूट नहीं करती है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दही हमें सूट नहीं करती है, तो दही की जगह आप टमाटर का जूस ले सकते हैं या फिर पोटैटो जूस ले सकते हैं। तो देखिए मैंने जो है इसको अप्लाई कर लिया है। आपको भी मोटी लेयर में अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है, जैसे कि मैंने अप्लाई कर लिया है। और जी अब मैं इसको जो है 8 से 10 मिनट के लिए अपने फेस पर ऐसे ही छोड़ दूंगी। 8 से 10 मिनट के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, कितना अच्छा रिजल्ट आया है, लाइव डेमो दिखाऊंगी आपको। तो चलिए मिलती हूँ 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट हो गई है और अब मैं बताती हूँ आपको, अपने फेस को धोकर दिखाती हूँ रिजल्ट, ठीक है। अपने फेस को मैं धोकर आती हूँ, काफ़ी हद तक जो है ये पैक सूख गया है। तो चलिए मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ और आपको रिजल्ट भी दिखाती हूँ। उससे पहले मैंने मेकअप किया हुआ था और बाद में आप दिखाती। तो देखिए मैं अपने फेस को धोकर आ गई हूँ और रिजल्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट मिला है मुझे। तो मुझे ब्लैक हेड वाइट हेड की प्रॉब्लम होने लगी थी और वो भी जो है काफ़ी हद तक मुझे जो है इस रेमेडी से मतलब बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, तो वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं अपने फेस को साफ करती हूँ। तो देखिए मैंने अपने फेस को साफ कर लिया है। थोड़े टाइम बाद में आप देखोगे चेहरे पर ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, अभी कुछ भी नहीं लगाया है, और आप देख सकते हो रिजल्ट बिल्कुल अमेजिंग आया है। इस तरीके से आप जो है रेमेडी को यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और अपने चेहरे को निखार सकते हैं, इंस्टेंट ग्लो आएगा, बिल्कुल B10 फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। यहाँ पर अब मैंने जितना भी मेरा मेकअप था सब मेरा धुल गया है, सिर्फ आईज मेकअप बचा है। तो आप देख सकते हैं बिना जो है मेकअप के भी कितना अच्छा फेस दिख रहा है। तो इस तरीके से आप भी चाहते हैं अपने फेस को मेनटेन रखना, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करना, और आपको कितने रिजल्ट मिले हैं आप मुझे ज़रूर से कॉमेंट में लिख कर बताना, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही यूजुअल प्यारी प्यारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।